बहुत अच्छा मौसम और वक्त आ गया है जब मौसम बदल रहा है और इस वक्त दिल्ली की ठंड कम होके गर्मी की तरफ जा रही है और बीच में आ गई है रंगीन होली। मगर होली एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट मैं आपको बताना चाहूंगी, बहुत सावधानी से ही खेलिएगा। जब आप होली खेलने जाएं एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट जो मेरी टिप्स होंगी वो सबसे पहले होगी सर से लेके पैर तक तेल लगा लें, बोथ जेंट्स एंड लेडीज, लड़के और लड़कियां दोनों को पूरे शरीर पे तेल लगाना है। बालों पे जैसे हमने कहा कि सर से नीचे तक आप तेल लगाएंगे तो वो एक बैरियर बनेगा, बाल धोने की ज़रूरत नहीं है एक दिन पहले। मगर हाँ, जिस दिन होली खेल के आए तो पहले थोड़ी देर सिर्फ रनिंग प्लेन वाटर में धोइए, उसके बाद ही सर पे आप शैम्पू लगाइए। अगर आपकी स्किन पे कोई भी बीमारी है, कोई भी कट्स हैं स्पेशली, तो प्लीज़ उन कट्स पे आप कुछ टेप लगा के ही होली खेलें ताकि कलर वहाँ से ना घुसे। अगर आप बहुत ऑर्गेनिक होली खेल रहे हैं तब भी, अगर आपके फेस पे दाने हैं या कोई ऑटोइम्यून डिजीज है, कहीं पे सोरियासिस, एक्जिमास या कुछ है, तो जो भी दवाई ट्रीटमेंट की दी गई है पहले वो लगाइए, उसके ऊपर तेल लगाइए। जो लेडीज हैं वो डार्क नेल पॉलिश लगा सकते हैं अपने हाथों पे ताकि रंग नेल बेड में ना जाए। दूसरी चीज, जाने से पहले आप सुबह अपने चेहरे पे सनस्क्रीन एस्बेस जरूर लगाएं, पहले सनस्क्रीन उसके ऊपर तेल लगाएं। अगर आपको चश्मे लगे हैं तो बहुत बढ़िया, जो आपके सबसे सस्ते टिकाऊ टाइप चश्मे हो वो पहन के जाएं ताकि होली का रंग आंखों में ना जा पाए। सूती सिंपल कॉटन कपड़े पहने, वही पहने ऑफकोर्स जो हमें पता है कि हम आगे दान दे सकते हैं या अगले साल होली के लिए रख सकते हैं। आगे वाला आदमी क्या पता गलत रंग ले आए, तो अगर आप जब घर आते हैं और आपको या उस वक्त कलर लगते ही एलर्जी होती है तो तुरंत उसको रनिंग पानी के नीचे उस एरिया को, बॉडी के एरिया को वहाँ दिखाएं। वहाँ बर्फ लगा सकते हैं, दही लगा सकते हैं या प्योर एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। अगर कलर खेलते हुए आपका कलर ऐसा लग रहा है कि पक्का कलर हो गया है, आपको परसों स्कूल जाना है और आपको अब डर लग रहा है अपने टीचर से, तो बैठ के उसको प्लीज घिसिए मत, रूटीन 10 या 15 मिनट के लिए ही घिसिए, उसके ऊपर आप दही एलोवेरा लगा के उसको सूद होने दीजिए नहाने के बाद। अपनी त्वचा का ध्यान रखते रहिए, होली के बाद भी सबसे जरूरी चीज है हाइड्रेटेड रहिए, पानी खूब पिए, पानी वाली होली खेली है। होली के बाद अगर आपके चेहरे पे थोड़ा सा आपको लग रहा है कि रंग बच गया है और आप उसको हटाने के लिए ब्लीच करने का सोच रहे हो या नज़दीकी ब्यूटी पार्लर पे जाने का सोच रहे हो, तो 2 बारी 10 बारी सोचिएगा। अगर रंग ज़्यादा स्ट्रांग हुआ तो कभी भी रिएक्शन हो सकता है। होली के बाद 5 दिन के लिए फेशियल एक्टिविटी, ब्यूटी पार्लर एक्टिविटी फेस पे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। विशिंग एवरीबडी अ हैप्पी होली एंड अ गुड सीजन अहेड।